आपके यश कुमार मिस्टर ट्रू डील और मैन रियल एस्टेट के आपके अपने चैनल के ऊपर आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका भाई एक ऐसी लोकेशन पर आप लोगों को लेकर आया है जहां पर आपको मिलने वाली है सस्ती और वाजिब रेट की प्लॉटिंग। यहां पर जो प्लॉटिंग मिलने वाली है बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल बढ़िया प्लॉटिंग मिलने वाली है। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है तकरीबन आज से 3 से 4 साल पुराना है। ये हमारी सोसाइटी रहने वाली है, एक एरिया है डेरा बसी के पास में घुल्लू माजरा, वहाँ पर ये सोसाइटी रहने वाली है। लोकेशन आप मेरे को देख सकते हो, अच्छे खासे घर बने हुए हैं, मंदिर भी यहाँ पर बन रहा है, सीवरेज का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आ चुकी है, पहुँच चुकी है। तकरीबन यहाँ पर इस रोड के ऊपर 100 से 200 फैमिलियाँ अभी तक शिफ्ट हो चुकी है। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास 100 गज के, 150 गज के और 200 गज के प्लॉट आए हैं। जो इन्वेंट्री है बहुत ही लिमिटेड इन्वेंट्री है और आपको जो प्राइस मिलेगा यहाँ पर जितना पीछे चले जाओगे उतना सस्ता मिलेगा और जितना फ्रंट में चाहोगे उतना आपको यहाँ पर एक्सपेंसिव महंगा मिलने वाला है। यहाँ पर आपको जो है सीवरेज का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन तीनों ही चीज़ें प्रोवाइड हो जाएंगी। साथ ही साथ यहाँ पर मंदिर, साथ ही साथ यहाँ पर से स्कूल, साथ ही साथ यहाँ पर से हाईवे बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस के ऊपर है, जहाँ से इजिली आप हाईवे के ऊपर जा सकते हो, इजिली बच्चे आपके स्कूल जा सकते हैं। अगर मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा की बात करें वो भी बिल्कुल वॉकेबल डिस्टेंस के ऊपर है। यहाँ पर आपको जो है फ्री होल्ड यूनिट मिलने वाला है और जो 100 गज का प्लॉट मिलेगा यहाँ पर आपको 10 लाख रुपए का मिलने वाला है। अगर आपके पॉकेट में 2 लाख रुपया नगद और 8 लाख रुपया लोन के लिए अवेलेबल है तो आप इस प्रॉपर्टी के ऊपर आ सकते हो। साथ ही साथ ये जो प्रॉपर्टी है हमारी डेरा बसी की लिमिट के अंदर आती है, यहाँ पर जो है रजिस्ट्री हमारी डेरा बसी में होगी और चाहे इस प्रॉपर्टी के ऊपर अगर हम 80% लोन करवाना चाहे तो वो भी हो जाएगा। यहाँ पर जो लोन है SBI बैंक, ICICI बैंक, कैनरा बैंक, HDFC बैंक, जिस बैंक से आप चाहे लोन करवा सकते हो। फेसिंग की बात करें यहाँ पर मेरे पास ईस्ट फेसिंग भी प्लॉट अवेलेबल है, साथ ही साथ नॉर्थ और साउथ और वेस्ट फेसिंग भी प्लॉट मेरे पास अवेलेबल है। यहाँ पर अगर सड़कों की बात करें, सड़कें यहाँ पर हमारी सारी 30 फुट चौड़ी रहने वाली है। फिलहाल सड़कों का थोड़ा सा काम यहाँ पर डेवलपमेंट पेंडिंग है, पर जिस हिसाब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है थोड़े ही टाइम के अंदर ये सड़कों का भी जाल जो है, नेटवर्क जो है पूरा हो जाएगा। जिस हिसाब से मार्केट में आम आदमी पार्टी काम कर रही है इस समय, तो होपफुली जो है थोड़े टाइम के अंदर ये भी एरिया कम्प्लीट होकर डेवलप होकर सड़कें वगैरह जो है पूरी यहाँ की कम्प्लीट हो जाएंगी। ये जो हमारी लिमिट है प्रॉपर्टी की ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ डेरा बसी के अंडर आती है। साथ यहाँ पर प्लॉट की जो NOC मिल जाती है, अगर प्लॉट की NOC मिलती है तो यहाँ पर NOC के साथ साथ हम इमीडिएट रजिस्ट्री करवा सकते हैं, इमीडिएट लोन करवा सकते हैं। अगर नक्शा पास कराना तो हमारा इमीडिएट नक्शा भी पास हो जाता है। जिस हिसाब से नक्शा पास होगा उतनी जल्दी हम अपना मकान बना सकेंगे। अगर आपका जो बजट है 20 लाख के अंदर अंदर है और आपको 100 गज का प्लॉट और साथ में कंस्ट्रक्शन चाहिए तो ये एरिया आपके लिए पीसफुल और नॉर्मल एरिया रहे। अगर आप अपने लिए 100 गज का घर हमारे से बनवाना चाहते हैं तो हम भी आपको 100 गज का घर बना कर देंगे, बिल्कुल सिंपल कंस्ट्रक्शन आपको प्रोवाइड कर देंगे। आपको पूरा प्लस्तर वगैरह करके दरवाजे जो गाठे लगाकर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे 10 लाख के अंदर, अगर आप 100 गज का प्लॉट लेते हो हमारे से। 100 गज का प्लॉट 10 लाख का बनाने की कॉस्ट मतलब 20 लाख रुपए, रजिस्ट्री और नक्शा और NOC वगैरह वो अलग से रहेगा, उसकी कॉस्ट लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए आप मान सकते हो, मैक्सिमम बता रहा हूँ। अगर वही लेडीज के नाम पर अगर 10 लाख की रजिस्ट्री कराते तो 62,000 से लेकर 65,000 रुपए का खर्चा आता है 10 लाख के ऊपर, 6.25% टोटल फीस बन जाती है सारा लमसम मिलाकर। वही बात करें यहाँ पर अगर आपको रेता, बजरी, सीमेंट, सरिया या सिविल कॉन्ट्रैक्टर की जरूरत है या आपको इंजीनियर की जरूरत है या आर्किटेक्ट की जरूरत है तो हमारी टीम जो है आपको कंप्लीट ये सर्विस प्रोवाइड कर देती है, आप आराम से अपना घर बना सकते। होपफुली ये जो वीडियो है आपको बहुत अच्छी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स, फैमिली और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। आपका दोस्त और होस्ट यश कुमार आपकी सेवा में हाजिर है। धन्यवाद और जय श्री राम मेरे दोस्तों।